हम बात करेंगे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। आखिर क्या हुआ कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के इतने बुरे जाल में फंस गया। आजादी के बाद श्रीलंका इस समय सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन दौर में श्रीलंका ने बड़ा फैसला लेते हुए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। श्रीलंका ने यह घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बकाया $51 अरब के विदेशी कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। गौरतलब है कि महज एक साल के भीतर ही श्रीलंका पर कुल $1,600 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर कुल $3,500 करोड़ का कर्ज था, जो इस साल अप्रैल में बढ़कर $5,100 करोड़ पर पहुंच गया है। इस हालात पर श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र को कर्ज देने वाली विदेशी सरकारों सहित लेनदार मंगलवार दोपहर से अपनी किसी भी ब्याज भुगतान को भुनाने या श्रीलंकाई रुपये में भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि श्रीलंका के ऊपर किसका कितना कर्ज है। श्रीलंका पर 15% कर्ज चीन का है। इसके अलावा 47% कर्ज बाजार से लिया गया है। श्रीलंका पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10% और पड़ोसी देश भारत से 2% के अलावा अन्य जगहों से 3% कर्ज लिया गया है। श्रीलंका की सरकार ने पहले कर्ज लिया और अब चुकाने के समय उसके खजाने में कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ की जनता सड़क पर है और ऐसे समय में विपक्ष उसके साथ खड़ा है। ऐसे में सत्ता पक्ष की हालत खराब हो गई है। श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ? आजादी के बाद श्रीलंका सबसे बुरे दौर में कैसे फंस गया? दरअसल श्रीलंका में आर्थिक विकास की रफ्तार महज 2 साल पहले भारत से कहीं ज्यादा थी। साल 2020 में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय बाजार विनिमय दर के हिसाब से $4,053 वार्षिक और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर $13,537 वार्षिक थी, यानी उस समय भारत से कहीं ज्यादा। मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर भी 2020 में श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर थी। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में जहां श्रीलंका 72वें स्थान पर था, जबकि भारत का स्थान 131वां ही था। लेकिन इसके बाद वक्त बदलता गया और श्रीलंका धीरे धीरे चीन के कर्ज के दलदल में फंस गया और आज दिवालिया हो गया है। दरअसल सरकार ने पूरी तरह से अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है और श्रीलंका अब जो भी कर्ज लिया गया है उसको चुकाने में असमर्थ है। आई होप वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।